माननीय सभापति अध्यक्ष महोदय धन्यवाद। मैं इस ओबीसी के संदर्भ में ही मेरा विषय महाराष्ट्र से संबंधित बोलना चाह रहा हूं। महोदय, देश में मंडल आयोग की जो सिफारिशें थी वो पूरी मानकर ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया है और महाराष्ट्र में भी इस नीति को माना गया है। कुछ राज्यों में कुछ आरक्षण कम है ओबीसी के लिए। इसके बावजूद भी जो महाराष्ट्र ने जो 27% माना है उसके बावजूद भी हमारे महाराष्ट्र में यवतमाल, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और अन्य जिलों में ओबीसी का आरक्षण कुछ कम किया गया है। एक आरक्षण भी कम किए गए इतने ही नहीं है तो ओबीसी पे काफी अन्याय किया जा रहा है। अभी क्रीम लेयर की जो पिछले वर्ष से 4.5 लाख की जो ये थी मर्यादा थी उसे बढ़ाकर 6 लाख की गई है, लेकिन राज्य सरकार ने उसको 6 लाख नहीं किया गया है, 4.5 लाख ही रखा है। इस वजह से पिछले वर्ष जो छात्रों ने स्कूलों में या कॉलेज में प्रवेश लिया था उन्हें वक्त पर अधिक फी भरने की जो नौबत आई तो कई लड़कों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। ये प्रीमियर लेयर की भी जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है 6 लाख की मर्यादा उसे भी लागू करने के लिए सरकार आगे पीछे कर रही है। एक विशेष इसमें और ये भी हुआ है कि स्कॉलरशिप जो पूरे देश में मैट्रिक के बाद के जो छात्र उन्हें दी जाती है ओबीसी के लड़कों को, लेकिन महाराष्ट्र में राज्य सरकार इन छात्रों को कई वर्षों से मैट्रिक के बाद जो पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें स्कॉलरशिप नहीं दे रही है। ये तीनों बातों को मैं यहाँ रखकर ये आपसे माध्यम सरकार से विनती करता हूँ कि ओबीसी छात्रों के साथ में जो राज्य सरकार में जो अन्याय हो रहा है इसलिए आप वहाँ की सरकार को पूछें और वहाँ के जो संबंधित मंत्रालय के प्रधान सचिव है या मुख्य सचिव है इन्हें यहाँ बुलाकर इस संदर्भ में संज्ञान दे और उन्हें निर्देश दे कि छात्रों पर अन्याय ने ओबीसी समाज पर अन्याय ना करे। धन्यवाद।